शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वहां इस तरह का हाल होगा और हम बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों को उनकी बीवियां बना देंगे। वहां अमन इत्मीनान से हर किस्म के मेवे मंगाएंगे और खाएंगे और पहली दफा के मरने के अलावा मौत का मजा फिर नहीं चखेंगे और अल्लाह उनको दोजख के अजाब से बचा लेगा। ये तुम्हारे परवरदिगार का फजल है, यही तो बड़ी कामयाबी है। हमने इस कुरान को तुम्हारी जबान में आसान कर दिया है ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें। बस तुम भी इंतजार करो, ये भी इंतजार कर रहे हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम। इस किताब का उतारा जाना अल्लाह की तरफ से है जो गालिब है, दाना है। बेशक आसमानों और जमीन में ईमान वालों के लिए अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं और तुम्हारी पैदाइश में भी और जानवरों में भी जिनको वो फैलाता है यकीन करने वालों के लिए निशानियां हैं और रात और दिन के आगे पीछे आने जाने में और वो जो अल्लाह ने आसमान से जरिया रिस्क नाजिल फरमाया फिर उससे जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा किया उसमें और हवाओं के गर्दिश देने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको सच्चाई के साथ पढ़कर सुनाते हैं, तो ये अल्लाह और उसकी आयतों के बाद किस बात पर ईमान लाएंगे। हर झूठे गुनाहगार पर अफसोस है कि अल्लाह की आयतें उसको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनको सुन तो लेता है मगर फिर गुरूर से जिद करता है कि गोया उनको सुना ही नहीं। सो ऐसे शख्स को दुख देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो और जब हमारी कुछ आयतें उसे मालूम होती हैं तो उनकी हंसी उड़ाता है। ऐसे लोगों के लिए जलील करने वाला अजाब है, इनके पीछे दोजख है और जो भी ये करते रहे कुछ भी इनके काम ना आएगा और न वही काम आएंगे जिनको इन्होंने अल्लाह के सिवा माबूद बना रखा था और इनके लिए बड़ा अजाब है। ये हिदायत की किताब है और जो लोग अपने परवरदिगार की आयतों से इनकार करते हैं उनको सख्त किस्म का दर्द देने वाला अजाब होगा। अल्लाह ही तो है जिसने समंदर को तुम्हारे काबू में कर दिया ताकि उसके हुक्म से उसमें कश्तियां चलें और ताकि तुम उसके फजल से माश तलाश करो और ताकि शुक्र करो। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सबको उसी ने अपने हुक्म से तुम्हारे काम में लगा दिया। जो लोग गौर करते हैं उनके लिए इसमें कुदरत की निशानियां हैं। मोमिनों से कह दो कि जो लोग अल्लाह के उन दिनों की जो आमाल के बदले के लिए मुकर्रर हैं तवक्को नहीं रखते उनसे दरगुजर करें ताकि अल्लाह उन लोगों को उनके आमाल का बदला दे। जो कोई अमल नेक करेगा तो अपने लिए और जो बुरे काम करेगा तो उनका जरर भी उसी को होगा। फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाओगे। और हमने बनी इसराइल को किताब हिदायत और हुकूमत और नबूवत बख्शी और पाकीजा चीजें अता फरमाई और अहले आलम पर उनको फजीलत दी और उनको दीन के बारे में दलीलें अता की, तो उन्होंने जो इख्तिलाफ किया तो इल्म आ चुकने के बाद आपस की जिद से किया। बेशक तुम्हारा परवरदिगार कयामत के दिन उनमें उन बातों का जिनमें वो इख्तिलाफ करते थे फैसला कर देगा। फिर हमने तुमको दीन के खुले रस्ते पर कायम कर दिया तो उसी रस्ते पर चले चलो और नादानों की ख्वाहिशों के पीछे न चलना। ये अल्लाह के सामने तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। और जालिम लोग आपस में एक दूसरे के दोस्त होते हैं और अल्लाह परहेजगारों का दोस्त है। ये कुरान लोगों के लिए दानाई की बातें हैं और जो यकीन रखते हैं उनके लिए हिदायत और रहमत है। जो लोग बुरे काम करते हैं क्या वो ये ख्याल करते हैं कि हम उनको उन लोगों जैसा कर देंगे जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे और उनकी जिंदगी और मौत यकसा होगी। ये जो दावे करते हैं बुरे हैं। और अल्लाह ने आसमानों और जमीन को हिकमत से पैदा किया है और ताकि हर शख्स अपने आमाल का बदला पाए और लोगों पर जुल्म नहीं किया जाएगा। भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना रखा है और बावजूद जानने बूझने के गुमराह हो रहा है, तो अल्लाह ने भी उसको गुमराह रहने दिया और उसके कानों और दिल पर मोहर लगा दी और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अब अल्लाह के सिवा उसको कौन राह पर ला सकता है? तो क्या तुम लोग नसीहत नहीं हासिल करते और कहते हैं कि हमारी जिंदगी तो सिर्फ दुनिया ही की है कि यही मरते और जीते हैं और हमें जमाना ही हलाक कर देता है और उनको इसका कुछ इल्म नहीं, महज कयास आराइयां करती हैं।
और जब उनके सामने हमारी खुली खुली आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनकी यही हुज्जत होती है कि अगर सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को जिंदा कर लाओ। कह दो कि अल्लाह ही तुमको जान बख्शता है, फिर वही तुमको मौत देता है, फिर तुमको कयामत के रोज जिसके आने में कुछ शक नहीं तुमको जमा करेगा, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। और आसमानों और जमीन की हुकूमत अल्लाह ही की है, और जिस रोज कयामत बरपा होगी उस रोज अहले बातिल खसारे में पड़ जाएंगे। और तुम हर एक फिरके को देखोगे कि घुटनों के बल बैठा होगा, और हर एक जमात अपनी किताब आमाल की तरफ बुलाई जाएगी। जो कुछ तुम करते रहे हो आज तुमको उसका बदला दिया जाएगा। ये हमारी किताब तुम्हारे बारे में सच सच बयान कर देगी, जो कुछ तुम किया करते थे हम लिखवाते जाते थे। अब जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनका परवरदिगार उन्हें अपनी रहमत के बाग में दाखिल करेगा, यही खुली कामयाबी है। और जिन्होंने कुफ्र किया उनसे कहा जाएगा कि भला हमारी आयतें तुमको पढ़कर सुनाई नहीं जाती थीं, मगर तुमने तकब्बुर किया और तुम नाफरमान लोग थे। और जब कहा जाता था कि अल्लाह का वादा सच्चा है और कयामत में कुछ शक नहीं, तो तुम कहते थे हम नहीं जानते कि कयामत क्या है, हम उसको महज ख्याली समझते हैं और हमें यकीन नहीं आता। और उनके आमाल की बुराइयां उन पर जाहिर हो जाएंगी, और जिस अजाब की वो हंसी उड़ाते थे वो उनको आ घेरेगा। और कहा जाएगा कि जिस तरह तुमने इस दिन के आने को भुला रखा था उसी तरह आज हम तुम्हें भुला देंगे, और तुम्हारा ठिकाना दोजख है और कोई तुम्हारा मददगार नहीं। ये इसलिए कि तुमने अल्लाह की आयतों को मजाक बना रखा था और दुनिया की जिंदगी ने तुमको धोखे में डाल रखा था। सो आज ये लोग न दोजख से निकाले जाएंगे और न इनकी तौबा कबूल की जाएगी। बस अल्लाह ही के लिए हर तरह की तारीफ है जो आसमानों का मालिक है और जमीन का भी मालिक और तमाम जहानों का परवरदिगार है, और आसमानों और जमीन में उसी के लिए बड़ाई है, और वो गालिब है दाना है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम, ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है जो गालिब है हिकमत वाला है। हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों में है हिकमत से और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए पैदा किया है, और काफिरों को जिस चीज से खबरदार किया जाता है उससे वो मुंह फेर लेते हैं। कहो कि भला तुमने उन चीजों को देखा है जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, जरा मुझे भी तो दिखाओ कि उन्होंने जमीन में से कौन सी चीज पैदा की है या आसमानों में उनकी कोई शिरकत है। अगर सच्चे हो तो इससे पहले कि कोई किताब मेरे पास लाओ या तुम्हारे पास इल्म अंबिया में से कुछ हो तो उसे पेश करो। और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो कयामत तक उसे जवाब न दे सके और उनको उनके पुकारने ही की खबर न हो। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन हो जाएंगे और उनकी परस्तिश से इनकार कर देंगे। और जब उनके सामने हमारी साफ साफ आयतें पढ़ी जाती हैं तो काफिर हक के बारे में जबकि वो उनके पास आ चुका कहते हैं कि ये तो खुला जादू है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस पैगंबर ने इसको असहुद घर लिया है? कह दो कि अगर मैंने इसको अपनी तरफ से बनाया हो तो तुम अल्लाह के सामने मेरे बचाव के लिए कुछ इख्तियार नहीं रखते। वो उस गुफ्तगू को खूब जानता है जो तुम उसके बारे में करते हो, वही मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह काफी है, और वही तो है बड़ा बख्शने वाला मेहरबान। कह दो कि मैं कोई अनोखा पैगंबर नहीं हूं, और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या सुलूक किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मैं तो उसी की पैरवी करता हूं जो मुझ पर वही आती है, और मेरा काम तो अलानिया खबरदार करना है। कहो कि भला देखो तो अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो और तुमने इससे इनकार किया, और बनी इसराइल में से एक गवाह इसी तरह की एक किताब की गवाही दे चुका और ईमान ले आया और तुमने सरकशी की, तो तुम्हारे जालिम होने में क्या शक है? बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। और काफिर मोमिनों के मुतालिक कहते हैं कि अगर ये दीन कुछ बेहतर होता तो ये लोग उसकी तरफ हमसे पहले ना दौड़ पड़ते, और जब वो इससे हिदायत याब ना हुए तो कहेंगे कि यह तो पुराना झूठ है। और इससे पहले मूसा की किताब थी लोगों के लिए रहनुमा और रहमत, और यह किताब अरबी जबान में है उसकी तस्दीक करने वाली, ताकि जालिमों को खबरदार करे और नेकुकारों को खुशखबरी सुनाए। जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है फिर वो उस पर कायम रहे,
तो उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। यही अहले जन्नत हैं कि हमेशा उसमें रहेंगे। ये उसका बदला है जो वो किया करते थे। और हमने इंसान को उसके वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया। उसकी मां ने उसको तकलीफ से पेट में रखा और तकलीफ ही से जना, और उसका पेट में रहना और दूध छुड़ाना 2.5 बरस में होता है, यहां तक कि जब वो पुख्ता उम्र को पहुंच जाता है और 40 बरस का हो जाता है तो कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि तूने जो एहसान मुझ पर और मेरे मां बाप पर किए हैं उनका शुक्रगुजार बनूं, और ये कि नेक अमल करूं जिनको तू पसंद करे, और मेरे लिए मेरी औलाद को नेक बना दे। मैं तेरी तरफ रुजू करता हूं और मैं फरमाबरदारों में हूं। यही लोग हैं जिनके आमाल नेक हम कबूल करेंगे और इनके गुनाहों से दरगुजर फरमाएंगे, और यही अहले जन्नत में होंगे। ये सच्चा वादा है जो इनसे किया जाता था। और जिस शख्स ने अपने मां बाप से कहा कि मैं तुमसे बेजार हूं, क्या तुम मुझे यह बताते हो कि मैं जमीन से निकाला जाऊंगा, हालांकि बहुत सी कौमें मुझसे पहले गुजर चुकी हैं। और वो दोनों अल्लाह की जनाब में फरियाद करते हुए कहते थे कि कमबख्त, ईमान ला, अल्लाह का वादा सच्चा है। तो कहने लगा, ये तो पहले लोगों की कहानियां हैं। यही वो लोग हैं जिनके बारे में जिन्नों और इंसानों की दूसरी उम्मतों में से जो इनसे पहले गुजर चुकी, अजाब का वादा तहकीक हो गया। बेशक वो नुकसान उठाने वाले थे, और लोगों ने जैसे काम किए होंगे उनके मुताबिक सबके दर्जे होंगे। गरज यह है कि अल्लाह उनको उनके अमाल का पूरा बदला दे और उनका नुकसान न किया जाएगा। और जिस दिन काफिर दोजख के सामने किए जाएंगे तो कहा जाएगा कि तुम अपनी दुनिया की जिंदगी में लज्जतें हासिल कर चुके और उनसे लुत्फंदोज हो चुके, सो आज तुमको जिल्लत का अजाब दिया जाता है। यह उसकी सजा है कि तुम जमीन में नाहक गुरूर किया करते थे और उसकी कि बदकिरदारी करते थे। और कौम आद के भाई हूद को याद करो कि जब उन्होंने अपनी कौम को सरजमीन अहकाफ में खबरदार किया और उनके आगे और पीछे से खबरदार करने वाले गुजर चुके थे कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का डर लगता है, कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमको हमारे माबूदों से फेर दो? अगर सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो उसे हम पर ले आओ। पैगंबर ने कहा कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, और मैं तो जो अहकाम देकर भेजा गया हूं वो तुम्हें पहुंचा रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम लोग नादानी में फंस रहे हो। फिर जब उन्होंने उस अजाब को देखा कि बादल की सूरत में उनके मैदानों की तरफ आ रहा है, तो कहने लगे, ये तो बादल है जो हम पर बरस कर रहेगा, नहीं बल्कि ये वो चीज है जिसके लिए तुम जल्दी करते थे, यानी आंधी, जिसमें दर्द देने वाला अजाब भरा हुआ है जो हर चीज को अपने परवरदिगार के हुक्म से तबाह किए देती थी। आखिर वो ऐसे हो गए कि उनके घरों के सिवा वहां कुछ नजर नहीं आता था। गुनाहगार लोगों को हम इसी तरह सजा दिया करते हैं, और हमने उनको ऐसा इख्तदार दिया था जो तुम लोगों को नहीं दिया, और उन्हें कान और आंखें और दिल दिए थे, तो चूंकि वो अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे, इसलिए न तो उनके कान ही उनके कुछ काम आ सके और न आंखें और न दिल। और जिस चीज का वो मजाक उड़ाया करते थे उसी ने उनको आ घेरा। और ऐ मक्के वालों, तुम्हारे इर्द गिर्द की बस्तियों को हमने हलाक कर दिया, और बार बार हमने अपनी निशानियां जाहिर कर दी ताकि वो रुजू करें, तो जिनको उन लोगों ने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए माबूद बनाया था उन्होंने उनकी क्यों मदद न की, बल्कि वो उनसे गुम हो गए, और ये उनका झूठ था और यही वो इफ्तरा किया करते थे। और वो वक्त काबिल जिक्र है जब हमने जिन्नों में से कई शख्स तुम्हारी तरफ मुतवज्जे किए कि कुरान सुने, तो जब वो उसको सुनने हाजिर हुए तो आपस में कहने लगे कि खामोश रहो। जब पढ़ना खत्म हुआ तो वो अपनी बिरादरी के लोगों में वापस गए कि उनको खबरदार करें, कहने लगे कि ऐ कौम, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल हुई है, जो किताबें उससे पहले नाजिल हुई हैं उनकी तस्दीक करती है और सच्चा दीन और सीधा रास्ता बताती है। ऐ कौम, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात को कबूल करो और उस पर ईमान लाओ, अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें दुख देने वाले अजाब से पनाह में रखेगा। और जो शख्स अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात कबूल न करेगा तो वो जमीन में अल्लाह को आजिज नहीं कर सकेगा और न उसके सिवा उसके हिमायती होंगे। ये लोग खुली गुमराही में हैं। क्या इन्होंने नहीं समझा कि जिस अल्लाह ने आसमानों और जमीन को पैदा किया और वो इनके पैदा करने से थका नहीं, वो इस बात पर भी कादिर है कि मुर्दों को जिंदा कर दे? हां, क्यों नहीं?
वो हर चीज पर कादिर है। और जिस रोज इनकार करने वाले आग के सामने किए जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा, क्या यह हक नहीं है? तो कहेंगे, क्यों नहीं, हमारे परवरदिगार की कसम यह हक है। अल्लाह फरमाएगा कि तुम जो दुनिया में कुफ्र किया करते थे तो अब उसकी वजह से अजाब के मजे चखो। बस ए नबी, जिस तरह और आली हिम्मत पैगंबर सब्र करते रहे हैं उसी तरह तुम भी सब्र करो, और इनके लिए अजाब जल्दी ना मांगो। जिस दिन ये उस चीज को देखेंगे जिसका इनसे वादा किया जाता है तो ये ख्याल करेंगे कि गोया दुनिया में रहे ही न थे मगर घड़ी भर दिन। ये कुरान पैगाम है जो पहुंचाया जा चुका, सो अब वही हलाक होंगे जो नाफरमान थे। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जिन लोगों ने कुफ्र किया और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोका, अल्लाह ने उनके आमाल बर्बाद कर दिए। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और जो किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई उसे मानते रहे, और वो उनके परवरदिगार की तरफ से बरहक है कि जिसने उनके गुनाह दूर कर दिए और उनकी हालत संवार दी। ये आमाल की बर्बादी और इस्लाह हाल इसलिए है कि जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्होंने झूठी बात की पैरवी की, और जो ईमान लाए वो अपने परवरदिगार की तरफ से दीन हक के पीछे चले। इसी तरह अल्लाह लोगों से उनके हालात बयान फरमाता है। बस जब तुम काफिरों से भिड़ जाओ तो उनकी गर्दनें उड़ा दो, यहां तक कि जब उनको खूब कत्ल कर चुको तो जो जिंदा पकड़े जाएं उनको मजबूती से कैद कर लो। फिर उसके बाद या तो एहसान रखकर छोड़ देना चाहिए या कुछ माल लेकर, यहां तक के फरीके मुकाबिल लड़ाई के हथियार रख दे। ये हुक्म याद रखो, और अगर अल्लाह चाहता तो और तरह से इनसे इंतकाम ले लेता, लेकिन उसने चाहा कि तुम में से एक को दूसरे के साथ टकरा कर आजमाए, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उनके आमाल को वो हरगिज जाया नहीं करेगा, बल्कि उनको सीधे रास्ते पर चलाएगा और उनकी हालत दुरुस्त कर देगा, और उनको बहिश्त में जिससे उनको पहले से वाकिफ कर दिया है दाखिल करेगा। ऐ अहले ईमान, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो भी तुम्हारी मदद करेगा और तुमको साबित कदम रखेगा, और जो काफिर हैं उनके लिए हलाकत है और अल्लाह उनके आमाल को बर्बाद कर देगा। ये इसलिए कि अल्लाह ने जो चीज नाजिल फरमाई उन्होंने उसको नापसंद किया तो अल्लाह ने उनके आमाल अकारत कर दिए। क्या इन्होंने मुल्क में सैर नहीं की ताकि देखते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ? अल्लाह ने उन पर तबाही डाल दी और उसी तरह का अजाब इन काफिरों को भी होगा। ये इसलिए कि जो मोमिन है उनका अल्लाह कारसाज है और काफिरों का कोई कारसाज नहीं। जो लोग ईमान लाए और अमले नेक करते रहे उनको अल्लाह बहिश्तों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल फरमाएगा, और जो काफिर हैं वो फायदे उठाते हैं और इस तरह खाते हैं जैसे हैवान खाते हैं, और उनका ठिकाना दोजख है। और बहुत सी बस्तियां तुम्हारी बस्ती से जिसके बाशिंदों ने तुम्हें वहां से निकाल दिया जोर और कुव्वत में कहीं बढ़कर थी, हमने उनको बर्बाद कर दिया और उनका कोई मददगार न हुआ। भला जो शख्स अपने परवरदिगार की मेहरबानी से खुले रस्ते पर चल रहा हो वो उनकी तरह हो सकता है जिनके आमाले बद उन्हें अच्छे करके दिखाए जाएं, और जो अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करें वो जन्नत जिसका परहेजगारों से वादा किया जाता है उसकी सिफत यह है कि उसमें ऐसे पानी की नहरें हैं जो बू नहीं करेगा, और दूध की नहरें हैं जिसका मजा नहीं बदलेगा, और शराब की नहरें हैं जो पीने वालों के लिए सरासर लज्जत है, और साफ शुदा शहद की नहरें हैं और वहां उनके लिए हर किस्म के मेवे हैं, और उनके परवरदिगार की तरफ से मगफिरत है। क्या ये परहेजगार उनकी तरह हो सकते हैं जो हमेशा दोजख में रहेंगे और जिनको खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतों को टुकड़े टुकड़े कर डालेगा? और इनमें बाज ऐसे भी हैं जो तुम्हारी तरफ कान लगाए रहते हैं, यहां तक कि सब कुछ सुनते हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास से निकलकर चले जाते हैं तो जिन लोगों को इल्मे दीन दिया गया है उनसे कहते हैं कि भला इन्होंने अभी क्या कहा था? यही लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा रखी है, और ये अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल रहे हैं, और जो लोग हिदायत याफ्ता हैं उनको वो मजीद हिदायत बख्शता है और उनको परहेजगारी इनायत करता है। अब तो ये लोग कयामत ही की राह देखते हैं कि नागहां इन पर आ वाके हो, सो उसकी निशानियां सामने आ चुकी हैं, फिर जब वो इन पर आ नाजिल होगी उस वक्त इन्हें नसीहत कहां मुफीद हो सकेगी? बस जान रखो
कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अपने कसूर की मुआफी मांगो और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए भी, और अल्लाह तुम लोगों के चलने फिरने और तुम्हारे ठिकाने से वाकिफ है। और मोमिन लोग कहते हैं कि जिहाद से मुताल्लिक कोई सूरत क्यों नाजिल नहीं होती, लेकिन जब कोई वाज़े अहकाम वाली सूरत नाजिल हो और उसमें जंग का बयान हो तो जिन लोगों के दिलों में निफाक का मरज है तुम उनको देखो कि तुम्हारी तरफ इस तरह देखने लगे जिस तरह किसी पर मौत की बेहोशी तारी हो रही हो, सो उनके लिए खराबी है। खूब काम तो फर्माबरदारी और पसंदीदा बात कहना है, फिर जब जिहाद की बात पुख्ता हो गई तो अगर ये लोग अल्लाह से सच्चे रहना चाहते तो इनके लिए बहुत अच्छा होता। सो ए मुनाफिको, अजब नहीं कि अगर तुम हाकिम हो जाओ तो मुल्क में खराबी करने लगो और अपने रिश्तों को तोड़ डालो। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है और इनके कानों को बहरा और इनकी आंखों को अंधा कर दिया है। भला ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर कुफ्र पड़े? जो लोग राह हिदायत जाहिर होने के बाद पीठ फेर गए, शैतान ने यह काम उनको अच्छा करके दिखाया और उन्हें लंबी उम्र का वादा दिया। ये इसलिए कि जो लोग अल्लाह की उतारी हुई किताब से बेजार हैं, ये उनसे कहते हैं कि बास कामों में हम तुम्हारी बात भी मानेंगे, और अल्लाह उनके पोशीदा मशवरों से वाकिफ है। तो उस वक्त इनका कैसा हाल होगा जब फरिश्ते इनकी जान निकालेंगे और इनके चेहरों और पीठों पर मारते जाएंगे? ये इसलिए कि जिस चीज से अल्लाह नाखुश है ये उसके पीछे चले और उसकी खुशनुदी को अच्छा ना समझे, तो उसने भी इनके आमाल को बर्बाद कर दिया। क्या वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है ये ख्याल किए हुए हैं कि अल्लाह उनके कीनों को जाहिर नहीं करेगा? और अगर हम चाहते तो वो लोग तुमको दिखा भी देते और तुम उनको उनके चेहरों ही से पहचान लेते, और तुम उन्हें उनके अंदाज गुफ्तगू ही से पहचान लोगे, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से वाकिफ है। और हम तुम लोगों को आजमाएंगे ताकि जो तुम में जिहाद करने वाले और साबित कदम रहने वाले हैं उनको मालूम करें और तुम्हारे हालात जांच लें। जिन लोगों को सीधा रास्ता मालूम हो गया और फिर भी उन्होंने कुफ्र किया और लोगों को अल्लाह की राह से रोका और पैगंबर की मुखालफत की, वो अल्लाह का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे और अल्लाह उनका सब किया कराया अकारत कर देगा। मोमिनों, अल्लाह का हुक्म मानो और पैगंबर की फर्माबरदारी करो और अपने आमाल को जाया ना करो। जो लोग काफिर हुए और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोकते रहे फिर काफिर ही मर गए, अल्लाह उनको हरगिज नहीं बख्शेगा। तो मुसलमानों, तुम हिम्मत ना हारो और दुश्मनों को सुलह की तरफ ना बुलाओ, और तुम ही गालिब रहोगे और अल्लाह तुम्हारे साथ है, वो हरगिज तुम्हारे आमाल को कम और जाया नहीं करेगा। दुनिया की जिंदगी तो महज खेल और तमाशा है, और अगर तुम ईमान लाओगे और परहेजगारी करोगे तो अल्लाह तुमको तुम्हारा अज्र देगा और तुमसे तुम्हारे माल तलब नहीं करेगा। अगर वो तुमसे माल तलब करे फिर तुम्हें तंग करे तो तुम बुख्ल करने लगो और वो बुख्ल तुम्हारे कीने जाहिर करके रहे। देखो, तुम वो लोग हो कि अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बुलाए जाते हो, तो तुम में ऐसे शख्स भी हैं जो बुख्ल करने लगते हैं, और जो बुख्ल करता है अपने आप से बुख्ल करता है, और अल्लाह बेनियाज है और तुम मोहताज। और अगर तुम फिर जाओगे तो वो तुम्हारी जगह और लोगों को ले आएगा, फिर वो तुम्हारी तरह के नहीं होंगे। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए नबी, हमने तुमको फतह दी, फतह भी खुली और वाजे, ताकि अल्लाह तुम्हारी अगली और पिछली कोताहियां बख्श दे और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे और तुमको सीधे रास्ते चलाता रहे, और ताकि अल्लाह तुम्हारी भरपूर मदद करे। वही तो है जिसने मोमिनों के दिलों पर तस्कीन नाजिल फरमाई ताकि उनके ईमान के साथ और ईमान बढ़े। और आसमानों और जमीन के लश्कर सब अल्लाह ही के हैं, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। ये इसलिए कि वो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को बहिश्तों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करे, वो उसमें हमेशा रहेंगे, और ताकि उनसे उनके गुनाहों को दूर कर दे, और ये अल्लाह के नजदीक बड़ी कामयाबी है। और इसलिए कि मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को जो अल्लाह के बारे में बुरे बुरे ख्याल रखते हैं अजाब दे, उन्हीं पर बुरे हादसे वाकई हों, और अल्लाह उन पर गुस्से हुआ और उन पर लानत की और उनके लिए दोजख तैयार की, और वो बुरी जगह है। और आसमानों और जमीन के लश्कर अल्लाह ही के हैं, और अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। ए नबी, हमने तुमको अहवाल बताने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला
और खबरदार करने वाला बनाकर भेजा है ताकि मुसलमानों तुम लोग अल्लाह पर और उसके पैगंबर पर ईमान रखो और उसकी मदद करो और उसकी ताजीम करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहो। ऐ नबी, जो लोग तुमसे बैत करते हैं वो दर हकीकत अल्लाह से बैत करते हैं, अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। फिर जो शख्स अहद को तोड़े तो अहद तोड़ने का नुकसान उसी को है, और जो उस बात को जिसका उसने अल्लाह से अहद किया है पूरा करे तो वो उसे अनकरीब अजर अजीम देगा। ऐ नबी, जो गंवार पीछे रह गए वो तुमसे कहेंगे कि हमको हमारे माल और अहलो अयाल ने रोक रखा था, सो आप हमारे लिए अल्लाह से बख्शिश मांगें। ये लोग अपनी जबान से वो बात कहते हैं जो इनके दिल में नहीं है। कह दो कि अगर अल्लाह तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहे या तुम्हें फायदा पहुंचाने का इरादा फरमाए तो कौन है जो उसके सामने तुम्हारे लिए किसी बात का कुछ इख्तियार रखे? कोई नहीं, बल्कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे वाकिफ है। बात यह है कि तुम लोग ये समझ बैठे थे कि पैगंबर और मोमिन अपने अहल अयाल में कभी लौट कर आने ही के नहीं, और यही बात तुम्हारे दिलों को अच्छी मालूम हुई और इसी वजह से तुमने बुरे बुरे ख्याल किए और आखिरकार तुम हलाकत में पड़ गए। और जो शख्स अल्लाह पर और उसके पैगंबर पर ईमान न लाए तो हमने ऐसे काफिरों के लिए आग तैयार कर रखी है, और आसमानों और जमीन की हुकूमत अल्लाह ही की है, वो जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे सजा दे, और अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है। जब तुम लोग माल गनीमत लेने चलोगे तो जो लोग पीछे रह गए थे वो कहेंगे हमें भी इजाजत दीजिए कि आपके साथ चलें, ये चाहते हैं कि अल्लाह के कौल को बदल दें। कह दो कि तुम हरगिज हमारे साथ नहीं चल सकते, इसी तरह अल्लाह ने पहले से फरमा दिया है। फिर कहेंगे नहीं, तुम तो हमसे हसद करते हो। बात यह है कि ये लोग समझते ही नहीं मगर बहुत कम। ऐ नबी, जो गंवार पीछे रह गए थे उनसे कह दो कि तुम जल्द एक सख्त जंगजू कौम के साथ जंग के लिए बुलाए जाओगे, उनसे तुम या तो जंग करते रहोगे या वो हार मान लेंगे। अगर तुम हुक्म मानोगे तो अल्लाह तुमको अच्छा बदला देगा, और अगर मुंह फेर लोगे जैसे पहली दफा फेरा था तो वो तुमको बड़ी तकलीफ की सजा देगा। न तो अंधे पर सख्ती है सफर जंग से पीछे रह जाने में, और न लंगड़े पर और न बीमार पर सख्ती है, और जो शख्स अल्लाह और उसके पैगंबर के फरमान पर चलेगा अल्लाह उसको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, और जो रू गर्दानी करेगा वो उसे दर्दनाक अजाब देगा। ऐ पैगंबर, जब मोमिन तुमसे उस दरख्त के नीचे बयात कर रहे थे तो अल्लाह उनसे खुश हुआ, और जो सिद्क और खुलूस उनके दिलों में था वो उसने मालूम कर लिया, तो उन पर तस्कीन नाजिल फरमाई और उन्हें जल्द फतह इनायत की, और बहुत सी गनीमतें वो आइंदा भी हासिल करेंगे, और अल्लाह गालिब है हिकमत वाला है। अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा फरमाया है कि तुम उनको हासिल करोगे, फिर उसने ये गनीमत तुम्हें जल्दी से दिलवा दी और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए। गरज ये थी कि ये मोमिनों के लिए अल्लाह की कुदरत का नमूना बन जाए और वो तुमको सीधे रास्ते पर चलाए, और कुछ और गनीमतें देगा जिन पर तुम कुदरत नहीं रखते, और वो अल्लाह ही की कुदरत में है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और अगर तुमसे काफिर लड़ते तो वो पीठ फेर कर भाग जाते, फिर वो किसी को न दोस्त पाते और न मददगार। यही अल्लाह की आदत है जो पहले से चली आती है, और तुम अल्लाह की आदत में कभी तब्दीली न पाओगे, और वही तो है जिसने तुमको इन काफिरों पर फतायाब करने के बाद सरहद मक्का में उनके हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ उनसे रोक दिए, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया और तुमको मस्जिद हराम से रोक दिया, और कुर्बानियों को भी कि अपनी जगह पहुंचने से रुकी रहें। और अगर ऐसे मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें न होती जिनको तुम जानते न थे कि अगर तुम उनको पामाल कर देते तो तुमको उनकी तरफ से बेखबरी में नुकसान पहुंच जाता, तो भी तुम्हारे हाथ फतह रहती, मगर ताखीर इसलिए हुई कि अल्लाह अपनी रहमत में जिसको चाहे दाखिल कर ले। और अगर दोनों फरीक अलग अलग हो जाते तो जो उनमें काफिर थे उनको हम दुख देने वाला अजाब देते। जब काफिरों ने अपने दिलों में जिद की और जिद भी जाहिलियत की तो अल्लाह ने अपने पैगंबर और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई और उनको परहेजगारी की बात पर कायम रखा, और वो इसी के मुस्ताहिक और अहल थे, और अल्लाह हर चीज से खबरदार है। बेशक अल्लाह ने अपने पैगंबर को सच्चा और सही ख्वाब दिखाया था कि तुम इंशाअल्लाह मस्जिद हराम में अपने सर मुंडवाकर
या अपने बाल तरशवा कर अमनो अमान से दाखिल होगे और किसी तरह का खौफ न करोगे। जो बात तुम नहीं जानते थे अल्लाह को मालूम थी, सो उसने उससे पहले ही जल्द एक फतह अता फरमाई। वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत की किताब और दीन हक देकर भेजा ताकि उसको तमाम दीनों पर गालिब करे, और हक साबित करने के लिए अल्लाह ही काफी है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, और जो लोग उनके साथ हैं वो काफिरों के मुकाबले में तो सख्त हैं और आपस में रहम दिल। ऐ देखने वाले, तू उनको देखता है कि अल्लाह के आगे झुके हुए सर बसजूद हैं और अल्लाह का फजल और उसकी खुशनूदी तलब कर रही हैं। कसरत सुजूद के असर से उनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। उनके यही औसाफ तौरात में हैं और यही औसाफ इंजील में है। वो गोया एक खेती है जिसने पहले जमीन से अपनी सुई निकाली, फिर उसको मजबूत किया, फिर मोटी हुई और फिर अपने तने पर सीधी खड़ी हो गई और लगी खेती वालों को खुश करने ताकि काफिरों का जी जलाए। जो लोग उनमें से ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनसे अल्लाह ने गुनाहों की बख्शिश और अजर अजीम का वादा किया है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोमिनो, किसी बात के जवाब में अल्लाह और उसके रसूल से पहले न बोल उठा करो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह सुनता है जानता है। ऐ अहले ईमान, अपनी आवाजें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ऊंची न करो, और जिस तरह आपस में एक दूसरे से जोर से बोलते हो उसी तरह उनके रूबरू जोर से न बोला करो, ऐसा न हो कि तुम्हारे आमाल जाया हो जाएं और तुमको खबर भी ना हो। जो लोग अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दबी आवाज से बोलते हैं, अल्लाह ने उनके दिल को तकवा के लिए जांच लिया है, उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग तुमको हुजरों के बाहर से आवाज देते हैं उनमें अक्सर बेअक्ल हैं, और अगर वो सब्र किए रहते यहां तक कि तुम खुद निकलकर उनके पास आते तो ये उनके लिए बेहतर होता, और अल्लाह तो बख्शने वाला है मेहरबान है। मोमिनो, अगर कोई गुनाहगार तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो, ऐसा ना हो कि किसी कौम को नादानी से नुकसान पहुंचा दो फिर तुमको अपने किए पर नादिम होना पड़े। और जान रखो कि तुम में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अगर बहुत सी बातों में वो तुम्हारा कहा मान लिया करें तो तुम मुश्किल में पड़ जाओ, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को अजीज बना दिया और उसको तुम्हारे दिलों में सजा दिया और कुफ्र और गुनाह और नाफरमानी से तुमको बेजार कर दिया। यही लोग राह हिदायत पर हैं, यानी अल्लाह के फजल और एहसान से, और अल्लाह जानने वाला है हिकमत वाला है। सदक अल्लाहुल अज़ीम।